मैंने सोचा ना था कि अपनी कोख से बेटी को पैदा करना मेरा गुनाह होगा। बेटी पैदा कर दी तो पति ने साथ रखने से इनकार कर दिया। पति कहता है कि तुझे तलाक दूंगा। सास ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह कहती है कि हम लड़कियों का बोझ नहीं उठा सकते। मामला मेरठ में कल्याणपुर निवासी नाजिया ने पुलिस से यह शिकायत की। उसके पति ने बेटी होने पर उसे घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, बेटी होने के बाद पति ने उसे तलाक देने पर उतारू है। इसके साथ ही नाजिया कहती है कि मैं तो माँ बनना चाहती हूँ, मगर सास के तानों और पति की पिटाई ने बेटी की माँ होने का गुनाहगार बना दिया। नाजिया ने बताया कि 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी। मवाना खुर्द में ससुराल है। पति टेंट का कारोबारी है। घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन दहेज के लिए शुरू से सास मारती पीटती थी। सास को देखकर पति भी दहेज की मांग करके पीटता था। शादी के 1.5 साल बाद बेटा रिदान पैदा हुआ। इसके बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। वही ससुराल वालों ने दहेज की बात भुला दी। वही ससुराल वालों ने दहेज की बात भूल गए, मगर अब जब बेटी पैदा हुई तो फिर से मेरे साथ मारपीट होने लगी। मारपीट इसलिए क्योंकि मैंने एक बेटी को जन्म दिया। अब पति ने बेटे को मुझसे छीन लिया है, बेटी और मुझे घर से बाहर निकाल लिया हमें रखने। मेरा पति मुझसे कहता है कि मैंने बेटी को जन्म दिया है, इसलिए वह मुझसे तलाक लेगा। अपने बेटे को देखने के लिए मैं तरस गई। तो वही नाजिया की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।